ये बीच मेघालय से 1 किलोमीटर दूरी पे है और ये ब्रिज से बांग्लादेश 4 किलोमीटर दूरी पे, और ये जो ब्रिज है सतसलमारा मनगच्छर की अंदर से होके जाने वाला, असम की अंदर से होने होके जाने वाला ब्रिज है। ये ब्रिज तुम्हारा दुबई से कनेक्ट हो जाएगी। ये ब्रिज होने के बाद बहुत आदमी का फायदा हुआ है, क्योंकि बारिश में पूरा बारिश होते थे और इस यहाँ पे रहने वाला आदमी लोग बहुत दिक्कत होता था। फिर भी अभी फिलहाल तो अच्छा हो गए, क्योंकि अभी फिलहाल बारिश में भी पानी नहीं हो रहा। देखते जाइए वीडियो, और हम अभी फिलहाल देखा दे रहे फुलबारी से दुबी होके ब्रिज जो बन रहा है वो देखा देगा, और बनने के बाद किस तरह होगा वो ब्रिज वो भी देखा दे रहा है। जो फुलबारी से दुबई तक 19 किलोमीटर का ब्रिज जो बन रहा है वो आप हम देखा दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए, ब्लॉग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अच्छा लगा तो, अच्छा नहीं लगा तो तेरे भाई को अनसब्सक्राइब करके छोड़ दो। दूरी तक जो एलएनटी के द्वारा किया जा रहा है इस ब्रिज को। ये ब्रिज बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इससे अन्य स्टेट में भी पूरा कनेक्टिविटी हो जाए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। जो फिलहाल तो बन रहा है, बनने के बाद देखा जाएगा। 2026 में कंप्लीट होने का था, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है नहीं होगा। और बनने की बात किस तरह होगा, ये जो 90 किलोमीटर का जो फुलबारी से दुबई तक ब्रिज बन रहा है,
लोग बात करेंगे धुबनी फुलबाड़ी ब्रिज के बारे में। दोस्तों LNT एक और हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। बांग्लादेश बॉर्डर के पास असम और मेघालय के बीच इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज यानी कि लगभग 19 किलोमीटर के ब्रिज का कंस्ट्रक्शन LNT के द्वारा किया जा रहा है। इस ब्रिज के बनने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड एंड टूरिज्म भी बूस्ट होगा। ये ब्रिज कैसा होगा, अभी तक कितना काम हुआ है, कब तक ये बनकर तैयार होगा और इसके बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगा, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट एरिया काफी खूबसूरत एवं मनमोहक है। वहाँ टूरिज्म के साथ साथ ट्रेड यानी कि बिजनेस के भी काफी स्कोप है और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है बेहतर कनेक्टिविटी की। नॉर्थ ईस्ट का एरिया आज भी काफी पीछे है बाकी देश से डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के मामले में, लेकिन अब वहाँ भी मास लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है। इसकी शुरुआत तो UPA गवर्नमेंट से ही हो गई थी, लेकिन NDA गवर्नमेंट में और भी ज्यादा स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि केवल असम में ही 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया है। असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रेलवे एंड हाईवे कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स के कैपिटल तक 2023 तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में भोला सदिया और बोगीबिल जैसे ब्रिज के बनने से नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। साथ ही चाइना के बॉर्डर एरिया में भी रोड्स एंड हाईवे का नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ भी रेलवे एंड रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। अखोड़ा अगरतला रेल लाइन प्रोजेक्ट से बांग्लादेश से डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी और इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज यानी कि धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज जो कि लगभग 19 किलोमीटर लंबा होगा बांग्लादेश के बॉर्डर के पास ही ब्रह्मपुत्र रिवर पर असम और मेघालय के बीच बन रहा है। ये ब्रिज धुबरी जो कि असम में है और फुलबाड़ी जो कि मेघालय में है के बीच बन रहा है। इस ब्रिज के बनने से असम के साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बीच थर्ड अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी हो जाएगी और धुबरी एंड फुलबाड़ी के बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर से घटकर मात्र 19 किलोमीटर हो जाएगा, जिससे समय एवं ईंधन दोनों की बचत होगी। वर्तमान में इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है धोला सदिया ब्रिज, जिसे हम लोग भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं और इस ब्रिज की लेंथ है 9.15 किलोमीटर, जबकि धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज की लेंथ होगी 19.3 किलोमीटर। यानी कि धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज बनने के बाद वर्तमान में जो इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज है उसके डबल से भी ज्यादा लेंथ की होगी। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन